लगातार कार्रवाई की। प्रयागराज में अब माफियाओं की खैर नहीं। पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा माफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और प्रयागराज पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अब प्रयागराज में माफियाओं की खैर नहीं होगी। जो भी माफिया अवैध तरीके से संपत्ति को जब्त किए हैं उनके और उनके गुर्गों के विरुद्ध कुर्की का आदेश भी कराया जाएगा। अभी भी कई माफियाओं के घरों और उनके अवैध बिल्डिंगों को गिराया गया है। माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमीन दोस्त किए जाने का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि इसके पहले भी बाहुबली अतीक अहमद, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा और माफिया राजेश यादव के बाद अब छोटा राजन गैंग के शार्प शूटर निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी की संपत्तियों पर भी सरकारी बुलडोजर चलाया जा रहा है और यह सिलसिला लगातार इसी तरह तब तक जारी रहेगा जब तक माफियाओं को सलाखों के पीछे न पहुंचा दिया जाए और उनके अवैध संपत्ति की कुर्की करके नष्ट न करा दिया जाए। प्रयागराज के पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। लगातार कार्रवाई की जा रही है, उनसे जुड़े तमाम लोगों पर की गई है अभी तक की कार्रवाई। क्या कुछ नए मेंबर्स उसमें चिन्हित हुए हैं जिन पर कार्रवाई की कोशिश की जा रही है? माफियाओं और अपराधियों से लड़ने की जो पुलिस की हमारी प्रतिबद्धता है, माफिया तंत्र को नष्ट करना और अपराध पर नियंत्रण रखने की जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसके अंतर्गत हम सभी तरह के माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया की जा रही है, उनको जेल के सलाखों के अंदर भेजा जा रहा है। इसके अलावा अपराध से अर्जित जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनके माफिया में जो गैंग हैं उनकी सबकी संपत्ति और अपराध न कर पाए इसलिए उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, संपत्तियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा उनकी कुर्की भी की जा रही है और आपने देखा होगा कि कुछ मामलों में संपत्तियों को नष्ट भी किया जा रहा है। ये तरह की कानूनी प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं का मकसद है कि एक संदेश देना कि कानून का राज चलता है, कानून सबके लिए समान है और कोई भी आदमी जो कानून के साथ खेल करके या कानून के साथ समझौता करके और अपना एक अलग तंत्र नहीं चला सकता है, पुलिस और व्यवस्था ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगी, ऐसे लोगों को कानून के द्वारा हमेशा न्याय दिलवाया जाएगा। सर, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो एक तरीके से जमानत पर रिहा हैं, बाहर हैं, उनको उनकी गतिविधियों पर किस तरीके की नज़र रखी जा रही है और उनके एक तरीके से जमानत निरस्तीकरण को लेकर के क्या? ऐसे सभी लोग जो लोग जमानत पर हैं और जमानत पर आने के बाद से जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं या जिनके कृत्यों से, जिनके बाहर रखने से जो लॉ एंड ऑर्डर है और पब्लिक शांति को खतरा है, ऐसे लोगों को ज़रूर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका जमानत